अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस वक्त PP7 कोहटा का मंज़र आप देख रहे हैं, आवाम का जोश खरोश देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ PTI के कैंडिडेट कर्नल शबीर साहब मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि उनका क्या जोश और वलवला है और PP7 को क्या उनको रिज़ल्ट नज़र आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह सल्लल्लाहु सैयदना मोहम्मद मुबारक वसल्लम वसल्लम अलैहि, इयाका नअबुदु इयाका नस्तईन। बहुत शुक्रिया आपका। और ये मैं आप जो जोश जज्बा आपने देख लिया है, 22 करोड़ आवाम इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़ी हो गई है। और वो नज़रिया ये है कि पाकिस्तान को गुलामी से निकालना है और पाकिस्तान की यूथ को ऊपर लेके जाना है, गरीब को गुरबत की लकीर से ऊपर ले जाना है। 22 करोड़ आवाम इसमें साथ खड़ी होगी। PP7 में इंशाल्लाह ताला जीत इमरान खान की होगी, जीत इमरान खान के नज़रिया की होगी। तो आप कौन सी खास वजह कि आपको यहाँ पे टिकट इमरान खान साहब ने आपको क्यों दिया? देखें, इमरान खान एक जमहूरी आदमी है और उन्होंने, चूँकि मैं 2013 में PTI में आया था, मैं MPA था पीपल पार्टी का और जनरल सेक्रेटरी भी था वहाँ पर, लेकिन जब मैं इमरान खान के नज़रिए के साथ आया तो पार्टी में मुझे 9 साल हो गए। पार्टी के लिए मैं 9 साल की मेरी खिदमत है। और फिर जो इमरान खान ने सर्वे कराया आवाम में, उसमें मेरे 83 मार्क्स हैं। इमरान खान ने बल्कि मुझे ये भी कहा कि कर्नल साहब आपकी रेटिंग बहुत हाई है। सो उन्होंने आवाम की राय का भी एहतराम किया और बाकी जो मेरे पीछे बैकग्राउंड थी उसको भी देख के मुझे टिकट दिया। कर्नल साहब, आखिरी सवाल मेरा ये कि आप पर एक इल्ज़ाम भी है कि आपको बड़े भाइयों की सपोर्ट भी है और पाकिस्तान की एक साबिक अफसर आपके जलसे में आपकी हिमायत भी की। नहीं, बात सुने, मैं 20 साल का अफसर था और मैंने 28 साल नौकरी की है। मैं PMA में भी इंस्ट्रक्टर रहा हूँ, OTS में भी इंस्ट्रक्टर रहा हूँ, तो मेरे स्टूडेंट्स हैं। और फिर जो अभी सीनियर जो लोग हैं, वो जो कोर कमांडर हैं, वो मेरे साथ कैप्टन थे, तो ये बात नहीं है। मैं, मेरी मदद उनके, मे बी दे आर हैविंग गुड विशेज़ फॉर मी, लेकिन मेरा किसी से रबता नहीं है। बाकी जो आप सीनियर अफसर की बात करते हैं, इज़ रिटायर्ड अफसर और हर रिटायर्ड अफसर का, मैं भी रिटायर्ड अफसर हूँ, मैं जब सियासत मिसाल ले रहा हूँ तो उनका भी हक पहुँचता है कि वो अपनी राय का इजहार करें। तो आप जो लोग इस वक्त फ़ौज को गालियाँ देते हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं उनको कहता हूँ कि फ़ौज को गाली मत दो। ये फ़ौज जो है हमारे बच्चे कुर्बान करती हैं, सरों में गोलियाँ खाते हैं और मेरे रग रग में फ़ौज का खून है। मैं उस चीज़ को मजम्मत करता हूँ। और जो फ़ौज को गालियाँ देते हैं, उनको बोलें अपने बच्चे भेजें फ़ौज में और बॉर्डर में दफा करें। यहाँ पे पिंडी चौक में, इस्लामाबाद डी चौक में गाली देना बड़ा आसान है, लेकिन सियाचिन में बच्चे को भेजें जहाँ पे फ्रॉस्ट बाइट हो जाती है, शुमाली रिस्तान में भेजें जहाँ पे सर गोली लगती है, जुनूबी रिस्तान में भेजें जहाँ पे टांग कटती हैं, फिर उनको पता चलेगा। ये बातें कर रहे हैं, फ़ौज के ख़िलाफ़ मैं एक लफ्ज़ नहीं सुनना चाहता। हाँ, बहुत शुक्रिया।